हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एवरीथिंग इज़ बेस्ट में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि यदि आपके लैपटॉप में यदि आप वर्क करते हैं और यदि आप कोई एप्लीकेशन गूगल से या प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेते हैं या उसे इंस्टॉल कर लेते हैं अपने लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर पर, तो उसका जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ऐसा आपको पॉपअप मैसेज या नोटिफिकेशन शो होता है बार बार। आप कुछ भी काम करेंगे आपको ऐसा ही मैसेज शो होगा, ये दिक्कत करेगा हमारी दूसरी एप्लीकेशन को भी रन करने में। या यदि हम क्या होता है इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो हमारा इंटरनेट वो जो वाईफाई के थ्रू जब हम कनेक्ट करते हैं लैपटॉप को तो उसके अंदर वह नो इंटरनेट एक्सेस का प्रॉब्लम थोड़ी देर बाद बताने लगता है। हम जब काम करेंगे तो एक आध घंटा तो नेट बहुत अच्छे से चलेगा पर उसके बाद नो इंटरनेट एक्सेस की प्रॉब्लम आती है और जब तक हम उसे रीस्टार्ट नहीं करते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है और उसके बाद हमेशा ये प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। तो देखिए, ये मैसेज तो हमारा अभी मैं ओपन कर रहा हूँ तो शो हो रहा है पर ये बाय डिफ़ॉल्ट बार बार शो होता है। ये तो हमारे नोड वीपीएन का मैसेज है। ऐसा ही मैसेज आपको शो होता है। आपने कोई सी भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली है या तो बार बार अपडेट मांगती है और वो आप उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम आती है, जैसा कि मैंने यहाँ पे नोड वीपीएन में आ रही है। तो आपको ऐसा लगता होगा कि जैसे डेस्कटॉप पे ये इसका जैसे ये होम आपने शॉर्टकट बना रखा है, इसको आप डिलीट कर देंगे, जैसे यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ और ये जैसे यहाँ से हट गई है हमारे डेस्कटॉप से, तो आपको लग रहा होगा कि ये एप्लीकेशन डिलीट हो गई, पर ऐसा नहीं होता है। आप यदि आप अंदर से भी डिलीट करना चाहें, जैसे आप माय कंप्यूटर में सर्च करके डिलीट करते हैं, अधिकतर लोग ऐसे करते हैं, जैसे किसी को बिल्कुल नहीं पता होता, जैसे मैं बता देता हूँ। अभी यहाँ पे आप माय कंप्यूटर पे गए और आपने क्या किया, सर्च बार में यहाँ पे जैसे सर्च कंप्यूटर पे यहाँ पे लिखा आपने नॉर्ड वीपीएन करके, क्योंकि नॉर्ड वीपीएन की ही एप्लीकेशन मेरी दिक्कत कर रही है। आपके इसमें यदि कोई दूसरी एप्लीकेशन या कोई सॉफ्टवेयर या एंटीवायरस वाली दिक्कत कर रही है तो आप उसका नाम यहाँ पे इंटर कर दीजिएगा। मेरे यहाँ पे नोड वीपीएन का दिक्कत कर रहा है इसलिए मैं यहाँ नोड वीपीएन लिख के यहाँ पे जैसे इंटर करूँगा तो देखिए यहाँ पे नोड वीपीएन एक लिस्ट ओपन होगी जिसके अंदर मुझे नोड वीपीएन की फाइल्स या तो फिर सेटअप उसका ढूंढना पड़ेगा। मैंने नोड वीपीएन करके इंटर मार दिया है। अब यहाँ पे जो भी नोड वीपीएन की फाइल होगी वो आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे देखिए एक फाइल आ चुकी है नोड वीपीएन की, तो मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ इस पर और राइट क्लिक करता हूँ, जैसे अभी क्लिक नहीं हुआ है तो मैं इस पर क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ और डिलीट फाइल करता हूँ और यस पे मैं क्लिक करता हूँ तो बाबा ट्राई अगेन मांग रहा है। ये बोल रहा है कि ये जो फाइल है आपकी ओपन है, इसका डिलीट नहीं हो रही। तो वैसे भी यहाँ फाइल आपकी यहाँ से आप डिलीट हो करोगे तो नहीं होगी, तो अधिकतर लोग ऐसा करते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल इसका परमानेंट तरीका बताऊँगा कि फाइल 100% कैसे डिलीट हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आप सिंपली सबको बैक करेंगे और कंट्रोल पैनल के ऑप्शन पे जाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने विंडोज़ पे क्लिक किया और कंट्रोल पैनल के ऑप्शन पे मैं गया हूँ और यहाँ पे आप प्रोग्राम्स वाली फाइल को ढूंढेंगे, ये प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे। देखिए मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे आप प्रोग्राम्स एंड फीचर जो सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। ये वाला ऑप्शन आपके सामने दूसरे तरीके से भी आ सकता है। यहाँ पे आप सिंपली नोड वीपीएन की फाइल्स को देखेंगे। देखिए यहाँ पे 3 फाइल्स दिख रही है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ कि आप डायरेक्ट कैसे, जो ये मैंने लिस्ट आपको बता रहा हूँ इस लिस्ट पर आप कैसे पहुँच सकते हैं दूसरे तरीके से। तो सिंपली आपको इसको पूरा बैक कर देना है। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और चलता हूँ डायरेक्ट माय कंप्यूटर पे। मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ और यहाँ पे 3rd नंबर ऊपर दिख रहा है अनइंस्टॉल और चेंज प्रोग्राम। तो देखिए डायरेक्ट वो लिस्ट आपके सामने आ चुकी है। आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे 3 फाइल नॉट वीपीएन की दिखाई देगी जिसको मुझे डिलीट करना है परमानेंट। तो आप यहाँ पे इसको क्लिक करके राइट क्लिक करके जब अनइंस्टॉल करेंगे, जिसे अनइंस्टॉल का ऑप्शन आया है इस पर आप एक बार टैप करके आप अनइंस्टॉल करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे तो ये नोड वीपीएन की जो फाइल है आपकी डिलीट हो जाएगी। ये देखिए प्रोसेस चालू हो चुकी है और जैसी प्रोसेस पूरी होगी तो देखिए आपकी सारी फाइलें यहाँ पे डिलीट हो चुकी है। तो इस तरह से आपको जो भी एप्लीकेशन परेशान कर रही है और आप उसको परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं तो इस तरह की प्रोसेस आप फॉलो कीजिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो इस तरह की टेक्निकल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।